तो कैसे हैं आप सारे? तो बेटा ये इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए है जो जो कि कंफ्यूज हैं, जिन्होंने बेटे अपने ऑप्शन के अंदर नीट का फॉर्म भरते हुए स्क्राइब के ऑप्शन पर यस कर दिया था, ठीक। या ये दूसरी कैटेगरी कौन सी आती है बेटा? वो कैटेगरी आती है जो कि जानना चाहते हैं कि स्क्राइब कब मिल सकता है, एक्स्ट्रा टाइम कब मिल सकता है एग्ज़ाम में, और मिल भी सकता है या नहीं, या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। बेटा एनटीए के बुलेटिन में, नीट के 2024 के बुलेटिन में जो भी मेंशन है, एक एक वर्ड पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने बोलने जा रहा हूँ। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और किसी का विश्वास करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है बेटा। बिल्कुल पीडीएफ ओपन कर मैं आपको बेटा बता भी देता हूँ रेफरेंस क्या है, अगर क्रॉस चेक करना हो तो। आपको बेटा नीट बुलेटिन 2024 डाउनलोड करना है, वहाँ पर टॉपिक है 6.4 एंड 6.5, मतलब जो बेटा इसका सब टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 6 रिजर्वेशन वाला, उसके अंदर टॉपिक 6.4 6.5 आप जाके क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा, ठीक बेटा। अगला, अब जो फैसिलिटीज़ हैं स्क्राइब की, बेटा स्क्राइब का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन आपके साथ जाए, आपको आपका पेपर करवाने में आपकी मदद करे। जैसे कि वही बच्चा स्क्राइब मांग सकता है बेटा जिस बच्चे को पेपर को खुद करने में दिक्कत है, या वो इस प्रकार से डिसेबल है, इस प्रकार से फिजिकली अनेबल है अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने में, मतलब पढ़ तो सकता है, समझ तो सकता है, लेकिन ओएमआर शीट भरने में वो सक्षम नहीं है, तो स्क्राइब उनको मिलता है। जैसे कि बेटा आपके अगर अपर लिम्स में, मतलब हाथों में प्रॉब्लम है, उंगलियों में परेशानी है, तो बेटा इस तरह के बच्चे को स्क्राइब फैसिलिटीज़ देने के लिए नीट कहता है, ठीक। बाकी एक और चीज़, अब बेटा स्क्राइब के बारे में मैंने आपको क्या बताया, आपने अपने नीट फॉर्म में स्क्राइब के लिए यस कर दिया, सिर्फ इतने से आपको स्क्राइब फैसिलिटी नहीं मिलेगी बेटा, आपको एक जब आप नीट बुलेटिन खोलेंगे तो वहाँ पर अपेंडिक्स 9th है, जहाँ पर एक फॉर्म दिया हुआ है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जिस फॉर्मेट के अंदर बेटा लिखा हुआ है कि आप इस फॉर्मेट को लेकर अपने अस्पताल जाएंगे, जहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट बनवाया था डिसेबिलिटी का, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर या तो CMO मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर, या सिविल सर्जन जो वहाँ पर रहता हो रेसिडेंट, अगला मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट अस्पताल ही है एक्चुअली, वहाँ के अगर इन तीनों में से जो भी मैंने नाम लिया है वो अगर लिख कर दे देते हैं कि ये बच्चा जो है स्क्राइब इसको चाहिए, क्योंकि ये फिजिकली अनेबल है एग्ज़ाम को खुद अटैम्प्ट करने में, इस वजह से इसको स्क्राइब दिया जाए, आप वो डॉक्यूमेंट लेके बेटा एग्ज़ाम के टाइम पर जाएंगे, आप बेटा उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो जो फॉर्म है उसके अंदर स्क्राइब की डिटेल्स भी डालेंगे, स्क्राइब का फोटोग्राफ भी लगाएंगे, स्क्राइब के आधार कार्ड की डिटेल्स भी डालेंगे, ठीक है। और स्क्राइब जब आपके साथ जाएगा तो फॉर्म आप साथ में लेकर जाएंगे, और वो फॉर्म पहले ही फिलअप होना चाहिए और आपके डॉक्टर के द्वारा पूरी तरीके से चेक्ड होना चाहिए, और उनकी मोहर वहाँ पर होनी चाहिए, और इस तरह का फेक पेपर बनाने की बेटा बिल्कुल भी कोशिश मत करना, नहीं तो फंसने के चांसेस भी हैं। अगली चीज़ बेटा, अगर डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे अगर वो स्क्राइब आपको देते हैं, और बेटा आप पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं, फिजिकली हैंडीकैप है आप बेटा, आप डिसेबल्ड बच्चे हैं जो कि बेटा पेपर को अटैम्प्ट करने में नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा टाइम लेगा, आपकी मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, आपके फिजिकल बैरियर से जो आपको रोकेंगे, तो बेटा आपको एक्स्ट्रा 1 घंटा 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। नीट का एग्ज़ाम 3 घंटे 20 मिनट का है, तो आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इस हिसाब से आपका पेपर 4 घंटे 25 मिनट का हो जाएगा, अगर बेटा आप अवेल करना चाहें तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक। अब बेटा मैंने आपको बता दिया है, अगर आपने नीट का फॉर्म भरते हुए स्क्राइब की फैसिलिटीज़ पे ओके नहीं किया, नो लिख दिया, तो आपको बेटा स्क्राइब फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक। और एक्स्ट्रा टाइम जो बच्चे चाहते हैं एग्ज़ाम के अंदर बेटा, वो इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही मिलेगा। अगर बेटा आपको नीट का पेपर करते हुए एक्स्ट्रा टाइम ऑफर किया जाए, तो आपको अगर चाहिए हो तो आप हाँ बोल देना, और हाँ बोलने के बाद अगर वो आपसे मांगे कि डॉक्यूमेंट्स लाए हो या नहीं लाए हो, तो आप बता देना कि मुझे नहीं पता था ये बात, ठीक। तो अगर वो फिर भी आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दें तो ले लेना, और अगर मना कर दें तो मत लेना, क्योंकि बेटा अगर मैं फिजिकली ठीक हूँ, मेरे हाथ पैर ठीक है, मेरा इंटेलेक्चुअली मैं ठीक हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है। रिजर्वेशन ही बेटा पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे के लिए इनफ है, अगर वो मेंटली ठीक है, फिजिकली पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है। और कोई जानकारी चाहिए तो मैं बताने को तैयार हूँ, कमेंट सेक्शन खुला है, आइए और पूछिए।
बस बेटा स्क्राइब के बारे में इतनी ही जानकारी है और इससे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत भी बेटा नहीं है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।